Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Namaskar dosto, welcome to Hungry Spirits channel. तो बिग बॉस के घर के जो टॉप फाइव लोग थे उनकी जर्नी बहुत कमाल दिखाई दी। हालांकि आपको पता चल गया होगा अब तक टॉप फाइव में से भी कुछ निकल चुके हैं, लेकिन टॉप फाइव पांचों के पांचों जो है बहुत ही बढ़िया खूबसूरत तरीके से खेले और उनकी बिग बॉस ने जर्नी जो दिखाई बहुत बढ़िया तरीके से। ये जो पांचों की जो जर्नी दिखाई जाती है ये एपिसोड में, हर किसी को अपना आप एक सेलिब्रिटी, एक हीरो, सेलिब्रिटी तो खैर है ही सभी, एक हीरो की तरह नजर आता है बिल्कुल, क्योंकि बिग बॉस इतना वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं और उसमें सारी इमोशनल एक जो है रोलर कॉस्ट से गुजरते हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है। तो दीपिका कक्कड़ की जो दिखाई के टीवी की फेवरेट बहू दीपिका कक्कड़ बिग बॉस के घर के अंदर एंटर होने वाली सबसे फेमस सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट में से एक रही। शो में दीपिका हमेशा ही अपने मॉरल पर कायम रही है, बिग बॉस ने कहा। शुरुआत से ही वो किचन का भार जो है कंधों पर लेती दिखी, बहुत सारे लोगों ने फेक बोला, बीच में कहा कि ये कुछ ये दिखती नहीं है, कहीं कुछ वजूद कहा, श्रीसंत के साथ भी उनका अप्स एंड डाउन्स रहे, लेकिन वो इस रिश्ते को उन्होंने एंड तक बहुत ही बखूबी से निभाया और किसी के साथ बहुत एक अपनी जो डिग्निटी कायम रखी, यहां तक कि सलमान खान ने भी उनको सबसे ज्यादा मोस्ट डिग्निफाइड वुमेन से पुकारा, कहा। तो ये दीपिका कक्कड़ की बहुत ही बढ़िया जर्नी दिखाई दी, जहां पे दीपिका कक्कड़ डेफिनेटली रोई भी, डेफिनेटली आंसू भी आंखों में आते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से जो उनकी जर्नी बिग बॉस ने दिखाई। फिर श्रीशांत की पहले दिन से श्रीशांत घर में आए, एक झगड़े करना, दूसरों पर नाराज होना और फिर जो है घर से श्रीसंत का बाहर निकलना, फिर आना के दीपिका जी आपका असली चेहरा मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये बिग बॉस ने दिखाया कि श्रीसंत अंदर से बाहर से सख्त नजर आते हैं, तो अंदर से वो मोम की तरह है और बहुत जल्दी पिघल भी जाते हैं। तो ये बिग बॉस ने ये भी कहा कि आपके लिए सबसे मुश्किल था इस घर में सर्वाइव करना, इस घर में रहना, क्योंकि आपके जो हालात थे वो ज्यादा मुश्किल थे। तो श्रीशांत का वो भी फेस दिखाया कि कैसे सुरभि के साथ रिलेशनशिप रहा, कैसे सुरभि को कप्तान बनाने के लिए उन्होंने अपना जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील किया। ये सारी चीजें दिखाते हुए बिग बॉस ने एंड में ये भी कहा कि जिस तरह आपने बिग बॉस की वर्ल्ड कप जीता तो उस तरह से आप ट्रॉफी भी जीतते हैं या नहीं जीते ये देखना होगा। करणवीर वोरा की भी पहले फैंस का दिखाया गया, सबके फैंस का दिखाया गया, फैंस ने कहा कि भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से गेम खेलते रहे हैं, बहुत ही शरीफ है एक्चुअली। तो ये चीज है, हालांकि घर में जो घर वालों का दिखाया, घर वाले कोई चाची कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, तो और बीच में वो फेज भी आया कि तीजे का लेटर लिखना, तो ये अप्स एंड डाउन आया, सलमान खान के साथ वो जो मजाक मस्ती वो भी दिखाई। तो लेकिन फैंस के दम पे और अपनी शराफत और अपने गेम के हिसाब से वो टॉप फाइव तक पहुंचे। फिर दीपक ठाकुर का जो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से मुझे लगा दिखाया गया कि सबसे ज्यादा तरीके से कि दीपक ठाकुर एक भोला भाला बंदा आता है कि ये जकूजी कहते हैं इसको, फिर वो लड़की को किसको कहते हैं कि इसमें से क्या ठंडी नहीं लगती है क्या। तो ये मासूम दीपक ठाकुर फिर अंत एंड में बाद में बीच में एकदम से कहता कि अब मेरे अंदर का शेर जाग गया है, फिर वो इमोशनल मोमेंट जब उनके पापा आते हैं और फिर एक सपने की बात होती है कि एक सपना देखा था और वो सपना साकार हुआ, यहां तक पहुंचे और बिग बॉस का धन्यवाद करते हैं कि बिग बॉस मैंने लगता है कि पिछले जन्म में बहुत ही कोई अच्छे पुण्य किए होंगे जो मैं यहां तक पहुंचा हूं और मैं तो चल रहा था अपने रास्ते, आपने एक जहाज पे मुझे बिठा दिया, कहा कि इस पे बैठोगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, तो वो जहाज है बिग बॉस। और यहां पे दीपक ठाकुर ने ये भी कहा कि ट्रॉफी तो बिग बॉस डेफिनेटली बिहार जाएगी। तो रोमिल चौधरी का भी दिखाया, पूरा रोमिल चौधरी का गेम दिखाया कि शुरू में रोमिल कितने मतलब बहुत बढ़िया तरीके से हैप्पी क्लब, फिर मेघा दाड़े का जो इन लोगों ने मजाक उड़ाया तो मेघा दाड़े के ऊपर हंसते थे और बात किस तरीके से दूसरों से एक बॉस की तरह रोमिल चौधरी काम कराते थे और कहीं ना कहीं इमोशनल भी, जैसे घर से बाहर निकले फिर अंदर आए वापस, तो आके उन्होंने कहा कि जो जिसको आप घर से निकालना चाहते हो उसके गेम के हम सिकंदर हैं, ये भी कहा उन्होंने।
फिर लेकिन फैमिली वीक आया, फैमिली वीक के बाद रोमिल चौधरी को जो सोमी और उनके रिश्ते को जो उछाला गया, तो उसको शायद से अंदर से वो उस तरह से हजम नहीं कर पाए और उसके बाद थोड़े से रोमिल चौधरी ये दिखाए गए कि थोड़े ढीले हो गए, तो लेकिन फिर भी रोमिल चौधरी भी यहां तक पांच नंबर तक आए। तो हंगरी स्पिरिट्स की तरफ से रोमिल चौधरी को भी बहुत बहुत सारी मुबारकबाद, दीपक ठाकुर को भी, श्री संत को भी, दीपिका कक्कड़ को भी और करणवीर वोरा को भी। जीते चाहे कोई भी ट्रॉफी, चाहे कोई भी लेके जाए, लेकिन आप पांचों के पांचों हमारे लिए हीरो है। धन्यवाद, कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.